पार्वती के लाल करेंगे कमाल। जय श्री राम साथियों, नमस्कार, राम राम, सबको राम राम, बड़ों को प्रणाम, साथ वालों को जय श्री राम, छोटों को ढेर सारा प्यार। हाँ साथियों, सब्सक्राइबर बढ़वाइए, जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हैं और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारी थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए, सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए भाइयों। जय श्री राम, रोज़ प्रैंक लेके आऊँगा और रोज़ रहूँगा आपके साथ। अब कर दिए मैंने प्रैंक की पूरी तैयारी श्रीमती जी के साथ। श्रीमती जी अभी हैं ऑफिस में, बैठ के देख रही कुछ काम काज, और जैसी श्रीमती जी आएंगी लौट के होगा पूरा प्रैंक, और प्रैंक होगा बिल्कुल धांसू वाला। हाँ जी साथियों, धांसू वाला प्रैंक होगा एकदम से। आज मेरी गर्दन में थोड़ा सा दर्द है, इसलिए मैं गर्दन को थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ बीच में, और उम्मीद है कि आप इस प्रैंक के मज़े लेंगे, चटपटे प्रैंक के चटपटे मज़े। जी हाँ साथियों, आज होगा क्या कि थोड़ी सी हिंट दूँ तो हिंट इस प्रकार है कि आज के प्रैंक में नहीं, कोई हिंट नहीं दूंगा साथियों। से प्रैंक आज चटपटा होने वाला है, बहुत ज़्यादा चटपटा प्रैंक करूँगा और मार खाऊंगा बहुत ज़्यादा। हाँ जी साथियों, आज मार पड़ेगी, धूम धड़ाका होगा बीवी के साथ, तो बने रहिए प्रैंक को देखिएगा लास्ट तक। थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो प्रैंक समझ में नहीं आएगा, इसलिए बने रहिए पूरे के पूरे प्रैंक में। पंडित जी मेरे साथ जो है मूवी देखने चलोगे? पंडित जी क्या हो गया? अरे ये एनिमल मूवी लगी हुई है ना। अरे यार तुम देख लो, भी जो प्लान बना लो, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे थोड़ा काम वाम तो कर लेने दो यार। देख नहीं रही सुबह से व्हाट्सएप वगैरह में लगा हुआ हूँ, आज मैं सारे काम अटक रहे हैं मेरे, पता नहीं। तो यार कुछ व्हाट्सएप करने हैं। यार ये काम सारा सबसे घटिया लग रहा है, इन सब लोगों को व्हाट्सएप करो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। ये लो भैया, तुम भी लो व्हाट्सएप, इसने लिखा था मुझे व्हाट्सएप भेजो, तुम भी लो व्हाट्सएप, तुम भी लो व्हाट्सएप। ये लो, तुम भी लो व्हाट्सएप। हाय माय स्वीट हार्ट, अब तो तुम बातचीत नहीं कर सकती। मेरे भेजे ईमेल, इंस्टाग्राम चैट सीन भी नहीं करती। आज मजबूर होकर तुम्हारे मना करने के बाद भी तुम्हें व्हाट्सएप करना पड़ रहा है। मैं तुमसे वहीं मिलूंगा जहां हम मिला करते थे, तुम्हें बहुत सारी किसी। अरे देवा, अभी I love you my sweetheart। पंडित जी, हम तो हमारी शादी तो अरेंज मैरिज थी, किस कौन सी जगह मिलते थे तुम? कौन सा? मैंने तुम्हें कुछ बोला भी है जो? अच्छा मैसेज कर रहे हो तुम, फ्रेंड से मैं तो बात की नहीं जा रही तुमसे, और मैसेज करके बोल रहे हो कि मतलब मुझसे बात भी नहीं करती हो। कौन नहीं कर रहा बात? तुम नहीं कर रहे, मैं नहीं कर रही। तुम्हें कौन सा मैसेज कर दिया यार मैंने? अच्छा ये मैसेज नहीं करता था? कब आया? अभी आया तुम्हारा यार, ये मैसेज कहाँ चला गया? क्या मतलब अपनी बीवी को करने? अरे बीवी के लिए कंपनियों के मैसेज यार, मुझे कंपनी प्रमोशन मैसेज करने, प्रमोशनल मैसेज में लगे मिल जाओ। प्रमोशनल मैसेज? ऐसे प्रमोशनल मैसेज होते हैं? अब ये स्वीट हार्ट कौन है तुम्हारी? अब गर्मा गर्म बातों के प्रमोशनल मैसेज कर रहा हूँ। अच्छा पिट के मानेगा क्या तू आज, ये बता पहले मुझे। अच्छा लोगों को मैचअप करा रहा हूँ, मिला रहा हूँ बिछड़े। अच्छा बिछड़े लोगों को मिला रहा हूँ,
यहाँ किस किस को मैसेज किए जा रहे हैं? अभी बोल रहे मैं तेरे से बात नहीं कर रहा था, अभी बड़े बिजी हो रहे थे, यही बिजी चल रही है तुम्हारी? अभी मैंने बोला मूवी चल रहा है, मूवी नहीं जाना। एक मिनट, किसी का रिप्लाई भी आ गया, कोई मिलना चाहती है। भाई ऐसे कौन से प्रमोशन चल रहे हैं तुम्हारे? मैं जो है मूवी के लिए पूछ रहा था, नहीं भाई हम तो नहीं जाएंगे जी। और अपना जो है देखो, पहले काम मेरे लिए, वर्क कम फर्स्ट। अच्छा वर्क कम फर्स्ट, तेरी वर्क कम? इधर आ तो तेरे वर्क को बताओ, तेरा कौन सा वर्क चल रहा है तेरा? मेरा ऐसा है जैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने, कार नहीं पकड़ना, पहले बता रहा हूँ, कार नहीं पकड़ना, क्योंकि मजाक नहीं कर रहा हूँ। मजाक किसी भी प्रकार का कोई भी मजाक नहीं करता, मैं पैसा इसमें क्या है, घर से काम करना है। अच्छा हमारी वर्क हो जाएगी, काम इनकम भी हो जाएगी। हमने क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, बहुत प्यारा सा काम करना है। जैसे तुमने मान लो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड रहा पास में, अच्छा तुम उससे दोबारा किसी तरीके से मिलना चाहती हो, अच्छा हम मिलवाएंगे तुमसे। अच्छा हमारी मुझे नहीं देना तुमने अपना डाटा, कंपनी में जाओ, कंपनी में अपना डाटा वाटा, उसका नाम नंबर वगैरह सब कुछ ले आओ। अच्छा उसका आधार कार्ड वगैरह या कोई भी फोटो तुम्हारे साथ की होनी चाहिए, जैसे गरीब हाथ डाले हुए किसी तरीके से, बस हम मिलवा देंगे तुमको। अच्छा ज्यादा ही उल्टू कर दी मेरे साथ चल रही यार, तुम्हें गलती से हो गया मैसेज, किसी और को भेज रहा था मैं। अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर रहे होगे, बहुत सारी गर्लफ्रेंड बना रही होंगी ना सब इससे पहले, उनकी याद कर रहे होगे। एक साल में 365 दिन होते, तुम एक दिन में 365 बार मार देती हो, तो तुम्हारे कर्म ही ऐसे है, इतने बढ़िया बढ़िया कर्म है ना, कभी कुछ करते कभी कुछ करते कभी कुछ करते इनकम इनकम करो इनकम कौन सी इनकम ऐसे इनकम कौन से जाती है तुम्हारी इनकम कौन से जाती है 1600 मैसेज भेजने में 3200 रुपए मिलेंगे हमको 1600 मैसेज करने में 3200 मिलेंगे ऐसी कौन सी जॉब मिल रही है तुम्हें 1600 मैसेज करने में 3200 घर बैठे बैठे कमाई करो पैसे लाओ शाम को अच्छा चकना दारू सब मिलेगा साथ में अच्छा हाँ चकना दारू सब मिलेगा यस बेबी लड़की है कौन अरे ये कोई लड़की नहीं कुछ नहीं सब मन मनमड़न कहानियां बना रहा हूँ मैं अच्छा हाँ इस कहानी में क्या है दो कैरेक्टर पैदा करने होते हैं अब मान लो उस लड़की का किसी से वाकई में टाका बढ़ा होगा कभी पास में तो मुझसे एक बार बातचीत करेगी फिर मैं देखूंगा इसके लायक कौन सा लड़का अच्छा है उसी से बातचीत करूंगा उससे बातें निकालूंगा उसके अंदर की कि वो किस तरीके की लड़की है फिर लड़के के अंदर की बातें निकालूंगा जब लगेगा कि हाँ दोनों एक दूसरे के लिए अच्छा हमको सिखा रिया है अच्छा पैसा ही पैसा होगा अच्छा बिल्कुल पैसा ही पैसा होगा तू पैसा पैसा करती है तू पैसे पे तू मरती है मैं मर रही हूँ तुम मर रहे हो अभी नहीं मैं लाऊंगा तभी तो मरी अभी तो लाए नहीं हूँ हाँ मैं लाने के लिए मरूंगा तू लेने के लिए मरी देते पैसा पैसे पैसा देते पैसा पैसा मेरे पे पैसा ऐसे करिए ना अच्छा इतनी कंजर दिखते हो तुम्हारे तो भी नहीं मैंने कंजर नहीं बोला कैश ईयर चल बढ़िया है मैं भी देखती हूँ कितने पैसे आ रहे तुम्हारे पास अभी मैंने कई लड़कों को मिलवा दिया पता है हाँ हाँ तो कहाँ है फिर पैसे मिलवा दिया तो तुमने अभी बोला तो ना? मीटिंग चल रही है आपका इसलिए मेरा मंडल में मैटर से इनकी मीटिंग कर रहे हो और मिला दिया और पैसे भी नहीं वो जो वो फेमस बंदे नहीं इसी दिल्ली वाला वहाँ पे मीटिंग कर रहे कुछ लोग अच्छा अभी 70-80 मीटिंग चल रही है बिल्कुल 70-80 पॉइंटों का मतलब 70-80 जगह का मतलब दो लोग का मतलब 70 से 140 से 160 लोग अब अगर 140 लोग मुझे 1000 रुपए देते हैं 140 को 1000 से गुणा कर उतना ही पैसा सबको आ जाएगा क्या जरूरत है जॉब करने की घर में बैठो बीवी से मार खाओ और पैसा भी आता है तुम तो मारने का कोई मुसूर छोड़ती नहीं हो कुछ करो तो मार देगी कुछ ना करो तो मार देगी यार करके मार खा लो तो मैं क्या तुम्हें वो लग रहा हूँ कसाई की मतलब मारती रहती है करके थैंक यू डार्लिंग एक्सेप्ट करने के लिए अच्छा क्योंकि तुमने एक्सेप्ट किया कि तुम ज्यादा हीरो मत बना तुम अच्छा? देखो मैंने बाल भी छुटवा दिए अपने अच्छा आज मैं नाई के पास गया था मैंने मेरे बाल चाड़ दे कह रहा बिल्कुल छोटे का तो मैंने कहा हाँ मेरी भाई बीवी बहुत मारती है भाई ऐसे करते कि वो हाथ में बाल न पकड़वाए पकड़े जाने जा रहे हैं पकड़ो नहीं का चैलेंज करना अगर बाल पकड़ लिया तो 500 रुपए दूंगा तो चैलेंज करता हूँ इधर दिखाना इधर इधर का
बेटा सीखा मत छेड़ना, बाल ये बाल गई सीखा मत छेड़ना बस। मैंने कहा था ना नहीं ज्यादा ही चल रही है। इसलिए कहते जी बंदे को जो चिंची होती वो ढूंढ ही लेता है, है ना। बड़ी खुशी हो रही मुझे मार की। तुमने ही बोला उकसाया किसने? अपने भाई की फोटो दो। क्यों दो? अभी उसकी शादी नहीं हुई, बातचीत होगी तो ना मैं शाम को बातचीत कराऊंगी। हाँ हाँ मैं बातचीत कराऊंगा। अपनी अपने अपने शकल तो सुधारे नहीं जा रही, मेरे भाई की बातचीत कराओगे? सोनी लड़की मिली है एकदम चिकनी चमेली तुम्हारे भाई के लिए। पता है 170,000 रुपए मैंने की सैलरी है। अब तुम्हारे भाई को घर में बिठा के पलकों में बिठा के खाने खिलाई, पलकों में झूला झूला के बोलो जैसे तुम खा रहे हो वैसे तुम्हारे तुम लड़की भी ढूंढोगे। वही 170,000 रुपए मेरा सैलरी है। कार चलाती है, कार पे जाती है, कार से आती है। हाँ बेटा मैं उसको मारी नहीं देना पता तुम्हें? कुछ नहीं होता। और कंपनी का नाम सुनोगी ना? नहीं फटाफट बोल फोन करके या तो अपने भाई का डाटा दो मुझे। मैं नहीं दे रही तुम्हें कोई डाटा नहीं। नहीं। दो, सब कुछ मुझे पता है। मुझे मूवी जाना था तुम्हारे साथ, डाटा फटा नहीं करना। मेरे पास कुछ उस तरीके के लड़के भी है जो पैसा कम करते है ना, ठीक है, जो स्नैचिंग करती है, निकालती है। इधर तो अपना मैरिज ब्यूरो, सबका सपना साकार होता है इसलिए वो अपना हो जाता है। इसी का सपना अपना अपना सपना लेके लोग आएंगे और वो साकार कर दी जाएगी मेरे पास से। मुझे ज्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा? मुझे इसमें बैठ के 5-6 लोग अपने अपने लोग सेटल करने, अपना अपने कराओ ना, अपनी शादी करो, अपने एक्सेप्ट करो, तुम एक्सेप्ट करो। मैं आज ही शाम को ले आता हूँ, मेरी तो लाइन लगी पड़ी है, लोग मेरे से आने के लिए तैयार है। तुम बोलो कि मैं घर में एंट्री करा दूंगा, आज आ ही जाता हूं। तुमने कह दिया ना अपनी शादी करो, मैं अपनी शादी करने को तैयार हूँ। आज ही शाम को चलो मेरी बारात में। कैसे नाची थोड़ी में गुड़ी का इधर नाची यार, एक डांस कर दे। चलो पहले दो डांस करके जाओ, मेरी शादी में कैसे डांस करोगे और अपने सगे भाई की शादी में कैसे डांस करोगे? मैं डांस करने वाला कोई नचनी हो गया नाचूंगा किसी में। तुमने तो मैंने कई बार घर में बिना कुछ रखते मेरी खुशी मेरी मर्जी। मैं अब तो इतनी बड़ी खुशी हो रही है, 2-2.5 लाख रुपए करीब की अगर लड़की है तुम्हारे फादर को घर में बैठे बैठे बहू तो क्या क्या जरूरत है? और तो कोई ग्यारह नहीं है, वर्क फ्रॉम होम करेगी, पैसा आएगा, पैसे ही पैसा होगा। तो सामने एक बार डांस तो करके दिखा दे। नहीं करना। क्यों? नहीं तो नहीं मुझे तो करना मूवी दिखाने ले चलो। और ये टाल रहे हैं पता नहीं तेरी बहन क्या, ये बताओ कि ये लड़की कौन है जिसको मैसेज डाल ले रहे तो? कौन सी लड़की? काय लड़की? हाय माय स्वीटहार्ट। स्वीटहार्ट करके डाल रहे हो तो भाई तुम्हारी होगी। स्वीटहार्ट तुम ही तो मेरी। अच्छा मेरे मोबाइल में तुम्हारा नाम स्वीटहार्ट रखा है। अच्छा जब मैंने बोला तुम बगल में बैठ के बात नहीं कर रहे तो बोले थे गलत मैसेज चले हैं। किसको कर रहे थे ये मैसेज? ये मैं बोलता हूँ मैरिज भी मैं चला रहा हूँ। मैरिज भी पूछो 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 अपने नंबर पूछो 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 चला नहीं लगता। मेरा दिमाग खराब हो गया है। तुम मेरे तो नंबर जाएगा शुरू में सारी के लिए वो। अच्छा मेरे साले की शादी आज बीवी को जो उठा देगा। मेरे साले की शादी है, आज मेरे साले की शादी है। साले के नाम पे अपना टाका भेड़ रहे अपने टाके अपना अपना टाका भेड़ निकल पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में निकल।
उठा दिया राम, पेट से उठा के ना वो गली में क्या ना मैं अपना टाका घेर रहा साले के नाम की शादी है। बात मत करना मुझसे। तुम्हें कैसी बहू चाहिए अपने लिए? कोई बहू नहीं चाहिए और मैं भी अपना जा रहा हूँ। जा अपने दुल्हन के साथ ही रहना चाहो। दूसरा भाई की बात आई खिलत गई। हाँ जी यार, तू कैसी बहन है एक बार बता, कैसी बहन है तू? कोई भी बहन जाएगी मेरे भाई का जल्दी करवा दे, तू करी मेरे भाई की शादी नहीं करानी, तुम ही करवा दे। ऐसे तो मत घूर शेरनी की तरह, ऐसे तो मत घूर मेरी शेरनी की तरह। मैं तुमसे बात कर ही नहीं रहा हूँ अब जो है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। मैं अभी जो है नए लड़के ढूंढूंगा। अब मैं भी कंप्यूटर चला देना, अभी तक मैं ऑफिस का काम कर रहा था, अब मैं ऑफिस का काम नहीं कर रहा। अब मैं क्या है मुझसे बोल, मैं बता दूं तेरी सच्ची मैरिज ब्यूरो में डाल के, मैं मैरिज ब्यूरो नहीं खोल रहा, मैंने अपना जो है खुद ही सर्च किया। मामा पूछ गया, बढ़िया ये हटा गया सब कुछ, मैं तेरी फोटो खींचता हूँ बड़ी वाली। हाँ और क्या करोगे, और उसको डाल देते हैं इंस्टाग्राम टेलीग्राम व्हाट्सएप वगैरह में, ठीक है? उसमें देखते हैं इस सोनी लड़की को सोने कुड़े की तलाश है, तो क्या कहती है तू? कुछ तो कहो, अब तो तुम्हारी शादी हम खुद करवा रहे हैं। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, लगा के लाओगे हमारे साथ? मैं कुछ नहीं गा रहा, वरना मैं अब तुमसे बात करूं। क्यों यार, कोई बंदा अपने भाई की शादी में क्यों खुश नहीं हो रहा? ब्रो सब, हाँ ये एक्सेल खोल गया, इस एक्सेल में तुम्हारे मायके में और मेरे घर में जितने भी लड़के लड़के अखबार है सबकी लिस्ट बना के दो, मैं ये सबका मॉडल सेट कर देता हूँ। और करोगे क्या तुम यार? मार हर बार क्यों मारते हो, तो मौका नहीं छोड़ते मुझे मारने का? जब देखो यार पता नहीं कभी बोलते हो मैं ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, और काम ही ढीले का नहीं करते हो। सोना लग रहे हो तुम, मन तो कर रहा ना तुम्हारे टांग तोड़ के डस्टबिन में फेंक के आऊं। डस्टबिन में आ जाऊंगा। डस्टबिन में दिमाग काम कर रहा है, कुछ बताऊं तेरे को? गुस्सा नहीं करेगी मेरे को? क्यों बताओगे, मेरे को जानना ही नहीं है। तुम अपनी वालियों के साथ रहो, अपनी वालियों के पास रहो, ऐसे करके रोल तुम्हारा ऐसे बनाऊंगा, ऐसे ही ना मैं उसमें भर के आऊंगा। वो टीवी में देखा ना, वो जो है अट्टी चीजें भर के जो है डस्टबिन फेंक के आते हैं। एक बात तो सुन, मैंने सीख लिया है आजकल, मैं तेल नहीं कर रहा, किसी की खुद शादी कर रहा हूँ किसी कर रहा हूँ। एक बात कहूँ, अब मत मारियो, तूने बहुत मार दिया मुझे आज, अब तो नहीं मारी, ब्लास्ट कर रहा हूँ तेरे ऊपर। क्या है? खुशी का पहाड़ तेरे ऊपर। क्या आज का प्रैंक सूट हो गया तेरा, दिमाग खराब हो गया रोज 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 रोज। तू कैमरा ढूंढ सकती है आज? तू कैमरा ढूंढ के दिया 500 रुपए मेरे को देखना ही नहीं है तुम्हारा, अकेले रहो दिमाग की गली मचाते रहते हैं सुबह से शाम तक। बंदा जो है अपने फ्री टाइम के लिए आ रहा है, जो है अपने मजे लेकर रहते हैं। मुझे बताया था तू लड़के की, जरूर हमने किया प्रैंक झूठ। वो देख हमारी दिख रही है लकड़ी वाली, थोड़ा सा खुला हुआ, वो जो छेद है ना वो टीनी कमरा है। अब तेरे बटन साइज वाले कैमरे में लगाऊंगा। तू नाराज मत हो, अगर तू ये समझेगा कि जब मैं फालतू बात कर रहा हूँ ना तो तेरे लिए काम की बात है, क्योंकि फालतू की बात होती है काम की बात होती है। जय श्री राम साथियों, खाली आज की मार और हो गया प्रैंक कंप्लीट हमारा वाइफ पर। वाइफ
किरत गई है वाइफ को किल सारा। हमारा एम होता है डेली का और एक एम होता है आपसे गुड मॉर्निंग कहने का। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को। जय श्री राम, मिलते हैं आपसे कल सुबह की गुड मॉर्निंग में। सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।